सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। सर यार, डोरेमोन देखते हुए एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमेशा मेरे दिमाग में आता है। तो जैसे डोरेमोन की सीरीज में डोरेमोन टाइम ट्रेवल करके नोबिता के पास आता है, तो हमारे रियल लाइफ में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो उस तेजी से कभी ना कभी तो हमारे भविष्य में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हम लोग टाइम मशीन इन्वेंट कर लेंगे। तो यार, एक सोचने वाली बात ये आती है कि डोरेमोन की तरह हमारे रियल लाइफ में हमसे मिलने कोई, हमारे फ्यूचर से कोई क्यों नहीं आ रहा। तो यार, इस चीज का आंसर देने का ट्राई करूंगा मैं आज की वीडियो में, और भी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो कैसी होने वाली है ये तो तुम लोग जान ही गए होगे। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जरूर से कर देना। तो फिर यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं हर बार की तरह अपनी कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ डोरेमोन का एक बड़ा ही मिस्टीरियस एपिसोड, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और वीडियो पूरी देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में डोरेमोन नोबिता को एक ऐसा गैजेट देता है जिसकी मदद से नोबिता आसपास या पड़ोस के इलाके के बहुत सारे सीक्रेट जान सके, जैसे कि पड़ोस में किसकी शादी होने वाली है, किसके घर में कौन आ रखा है। तो फिर उस वाले गैजेट की मदद से नोबिता आसपास के बहुत सारे सीक्रेट जान जाता है, और वो सारे सीक्रेट जान के अपनी क्लास की लड़कियों को बता देता है, जिससे वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो सुनियो नोबिता को ऐसा करते देख काफी ज्यादा जल जाता है और नोबिता का वो वाला गैजेट चुरा लेता है। फिर वो वाला गैजेट सुनियो को भी बहुत सारे सीक्रेट बताता है। फिर अचानक से वो वाला गैजेट काफी घबरा के सुनियो के पास आता है और बोलता है कि इससे बड़ा कोई भी सीक्रेट नहीं हो सकता। फिर सुनियो बोलता है कि क्या है वो सीक्रेट। अब वो गैजेट क्या सीक्रेट बताता है ये चीज हमें पता नहीं चलती, ना ही सुनाई देता है। बट वो सीक्रेट जानने के बाद सुनियो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी अचानक से सुनियो के घर के ऊपर एक एलियन की शिप आ जाती है और एलियन सुनियो को पकड़ लेते हैं, और सुनियो एलियन से बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, ये सही में काफी मिस्टीरियस एपिसोड है, और पता नहीं सुनियो को क्या सीक्रेट पता था जिसकी वजह से एलियंस ने उसको पकड़ लिया था। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अब यार, इसके बाद एक बहुत बड़ा सीक्रेट मात्सुजा का मैम का सिंचैन की सीरीज से। तो यार, तुम लोग सिंचैन के डैड के दोस्त मिस्टर कावागुची को तो जानते ही होगे। तो यार, एक बार के लिए मिस्टर कावागुची भी सिंचैन की मात्सुजा का मैम के दोस्त रह चुके हैं। तो दोस्तों, तुम लोग समझ गए होगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अब जो मैं तुम लोगों को आगे बताने वाला हूँ वो सुन के तुम सही में काफी शौक होने वाले हो। तो शायद तुम लोग ये बात जानते हो कि डोरेमोन का एक स्पेशल एपिसोड है डोरेमोन जायंट ट्रोया रकून के नाम से। तो एपिसोड के अंदर स्पेस पुलिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कोई और प्लेनेट के लोग होते हैं, वो एक एलियन लेके जा रहे होते हैं जो कि अर्थ पे गिर जाता है और डोरेमोन के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से डोरेमोन काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और हर रात को वो एक बहुत बड़े रकून में बदल जाता है। फिर डोरेमोन की मदद करने के लिए वही स्पेस पुलिस वाली ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग आते हैं, और एट द एंड सब कुछ अच्छा हो जाता है। और क्योंकि ये डोरेमोन का एक बर्थडे स्पेशल एपिसोड था, तो यार एंड में स्पेस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग और डोरेमोन के सारे दोस्त मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और फिर तभी यार मेरी नजर एक काफी अजीब चीज के ऊपर पड़ती है। ये देखो, ये लड़का पूरा का पूरा मिसो की तरह लग रहा है, जो कि यार सही में काफी शॉकिंग बात है। अब यार, ये एपिसोड जो था वो डोरेमोन और परमैन का कोलैब एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड में परमैन भी दिखा था जो कि यार ऐसा ही फेक परमैन था, क्योंकि उसको गैजेट की मदद से टीवी के अंदर से निकाला गया था, फिर बाद में वो दोबारा टीवी के अंदर चला गया था। बट जो ये वाला लड़का था यार, वो तो बिल्कुल ही रियल था, और मेरे ख्याल से हमारा मिसो यही है। और यार, ये चीज सही में काफी बड़ा सीक्रेट है। और तो और, तुम लोग परमैन की एंडिंग भी जानते होगे कि एंड में परमैन मिसो किसी बड़े प्लेनेट पे चला गया था, और जो ये वाला लड़का है वो भी किसी दूसरे प्लेनेट से ही है। सो यार, ये सही में काफी अजीब चीज है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अब यार, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि मैं तुम लोगों को वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आखिर डोरेमोन की तरह हमारे रियल लाइफ में फ्यूचर से कोई टाइम ट्रेवलर क्यों नहीं आता। तो यार देखा जाए तो ये सही में काफी बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि यार कभी ना कभी तो हमारे फ्यूचर में टाइम मशीन बनी ही होगी। तो यार, इस चीज का आंसर एक नहीं हो सकता, और इस चीज के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो यार, इस चीज का सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि शायद फ्यूचर में कभी टाइम मशीन बनी ही ना हो, या फिर टाइम मशीन बनाना सही में इम्पॉसिबल हो। तो यार, बात करें दूसरे रीजन की, तो वो ये हो सकता है कि शायद अगर फ्यूचर में टाइम मशीन बनी हो तो टाइम ट्रैवलिंग करना गैर कानूनी हो। जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि डोरेमोन नोबिता का भी टाइम ट्रैवल करके आते हैं और वो गलती से कोई एक भी गलती कर देते हैं, तो फिर उसकी वजह से पूरा फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो शायद इसी वजह से हमारे रियल लाइफ में टाइम ट्रैवलिंग करने पे रोक हो। तो बात करें तीसरे रीजन की, तो यार ये रीजन डार्क रीजन है। तो यार, शायद से ऐसा हो सकता है कि यार टाइम मशीन इन्वेंट होने से पहले ही हमारी दुनिया तबाह हो चुकी हो किसी मीटियर या किसी भी कारण से। तो यार, सुनने में ये सही में काफी डार्क लगता है। तो यार, तुम लोग क्या सोचते हो इस चीज के बारे में,
कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद यार एक फैक्ट मैं तुम लोगों को मार्वल से भी बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मार्वल की एक मूवी रिलीज हुई थी इटर्नल्स के नाम से, तो उस मूवी के अंदर तुम्हें स्टार फॉक्स के नाम का एक करेक्टर देखने वाला है। तो यार जो ये करेक्टर है वो असल में थैनोस का भाई है। सो यार इसकी पर्सनैलिटी थैनोस से बिल्कुल डिफरेंट है, जैसा कि तुम्हें पता चल ही गया होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डोरेमोन के आने से पहले नोबिता की शादी होने वाली थी जैको से, बट डोरेमोन के आने के बाद वो चीज चेंज हो गई। तो क्या आप लोग ये जानते हो कि डोरेमोन के आने के बाद ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से नोबिता की शादी जैको से कैंसिल होके सुजुका से फिक्स करवाया था? तो यार इस चीज का जो आंसर है वो है गुड बाय सुजुका वाला एपिसोड। तो यार इस वाले एपिसोड के अंदर नोबिता को अपनी टीचर से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है कि अगर वो ऐसा ही रहा तो उसका फ्यूचर डार्कनेस में चला जाएगा, और फिर वो इसके बाद सुजुका से अपने आप को अलग करने का फैसला करता है। और नोबिता डिप्रेशन में आके डोरेमोन से गैजेट भी लेता है जिसकी वजह से सभी लोग उससे दूर चले जाए, बट हो जाता है उसका बिल्कुल ही अपोजिट। और उसी मूवमेंट की वजह से सुजुका नोबिता के और ज्यादा करीब आ जाती है। और गाइस इसी मूवमेंट ने नोबिता का पूरा फ्यूचर बदल डाला था, जहाँ पर उसकी शादी जैको से कैंसिल होके सुजुका से फिक्स हो जाती है। अब यार बात करते हैं निंजा हथौड़ी से काफी बड़े सीक्रेट की। तो तुम सभी लोगों को पता होगा कि जो निंजा हथौड़ी है वो असल में एक स्ट्रेंजर था जो कि केनिची के घर पे रहने के लिए आया था, और फिर बाद में उसने सिंजो शिशुमारू को भी बुला लिया। बट देखने वाली बात यह है कि जो केनिची की मॉम है वो इतने सारे लोगों का फ्री में खर्चा उठा रही है, निंजा हथौड़ी, सिंजो, शिशुमारू, और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार केनिची की मॉम कितनी अच्छी है। बट यार एक बहुत बड़ी सीक्रेट की बात बताता हूँ कि वो निंजा हथौड़ी से बहुत सारा काम करवाती है बदले में, जैसे कि सब्जी लेने जाना, खाना बनवाने में मदद करना, बर्तन माजना। बेचारा गांव का हथौड़ी केनिची की मॉम को अपनी मम्मी की तरह समझता है, और केनिची की मॉम अपने बूंदू बेटे को बेड पे बिठा के खाना खिला रही है और सारा काम हथौड़ी से निकलवा रही है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये बहुत चलाक औरत है। जस्ट जोकिंग गाइस, सीरियस मत लेना यार, मेरा मतलब ये था कि हथौड़ी फ्री में नहीं रहता। तो अब यार उसके बाद तुम सभी लोग ये बात जानते होगे कि डोरेमोन की सीरीज में आपको हमेशा सेंसरशिप देखने को मिलती है, जो कि आप टीवी पे देखते हो। कभी यार शादी को ये लोग दोस्ती बोलते हैं, इवन नोबिता की मॉम भी नोबिता के डैड को अपना दोस्त बोलती है। से यार आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यार इसका बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि एक पेरेंट्स का ग्रुप है जो कि यार डोरेमोन के हाथों के पीछे पड़ गया था। और तो और ये लोग बोलते हैं कि डोरेमोन देख के हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि डोरेमोन नोबिता को हमेशा गैजेट देता रहता है और ये देख के हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, और उन्हीं की वजह से डिज्नी इंडिया को इतनी ज्यादा भारी सेंसरशिप करनी पड़ती है। बट गाइज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं कि डोरेमोन की किसी भी एपिसोड में नोबिता डोरेमोन से कोई भी गैजेट लेता है, इन रियलिटी एपिसोड के एंड में नोबिता उसकी वजह या तो मुसीबत में पड़ जाता है, और हर एपिसोड के एंड में नोबिता गुस्से में आके डोरेमोन को उसका गैजेट वापस कर देता है। और ये डोरेमोन का बहुत बड़ा सीक्रेट मैसेज है कि नोबिता की लाइफ चेंज हुई किसी गैजेट की वजह से नहीं, असल में डोरेमोन की वजह से। बट हमारे सो कॉल्ड इंडियन पेरेंट्स उस मैसेज को समझ ही नहीं पाए, बट उम्मीद है कि तुम लोग जरूर समझ गए होगे। और यार इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है एंड। तो यार उम्मीद है कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और यार ये सारे फैक्ट ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक भी जरूर करा करो। सो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय।